सतयुगी पिता ने मासूम बच्चों का गला दबाकर जान लेने की कोशिश, साथ ही पत्नी को भी पीटकर जान से मारने की कोशिश की। घटना यूं है कि आज दोपहर मंगलवार एक युवती उमा देवी अपने 3 मासूम बच्चों के साथ ठाकुर द्वारा थाना पहुंची और अपने पति के खिलाफ तहरीर दी और न्याय के खिलाफ गुहार लगाई। उमा देवी ने बताया कि उसकी शादी 9 वर्ष पहले संजीव कुमार निवासी सुंदर नगर भूतखेड़ा से हुई थी। उसके 3 बेटे, शादी के शुरू 3-4 साल उसके पति का व्यवहार ठीक रहा, लेकिन बाद में गलत संगत में पड़ जाने के कारण उसका पति संजीव उसको तंग रखने लगा, साथ ही मारपीट करने लगा। यहाँ तक कि उसके पति ने दूसरी औरतों के साथ संबंध रखने शुरू कर दिए, साथ ही अपने 3 मासूम बेटों का भी गला दबाने लगा। इसी तरह उमा देवी नंगे पांव ही भागकर ठाकुर द्वारा कोतवाली आ गई। अपने विधाता सुनाकर पुलिस ने अपने पति के खिलाफ तहरीर दी। ठाकुर द्वारा जिला मुरादाबाद। जी क्या मैटर है आपका? ये मैटर दूसरी लेडी से बात करते हैं। आपके पति? हमारे हस्बैंड दूसरी औरत से बात करते हैं। हम कुछ नहीं समझते, नहीं सैलरी का कोई रुपया देते, नहीं खाना पीना, मार थोड़ा ही ज्यादा करते हैं। तीनों बच्चे आपके हैं? हाँ, तीनों लड़के हैं। अक्सर मारपीट करते हैं? हाँ। आज क्या हुआ? आज सुबह ही उठ के ये रास्ते से 10 बजे आ गए। कल हमने इनका पीछा करा। अच्छा। ये बाइक से थे, ये जो थी मैं रास्ते थी, मैंने उतर के मैंने ही ना देख लिया, मैं रास्ते पर चली, ये फोन पे बात कर रहे थे तो थोड़ा मुझे भी आइडिया लग गया, मैंने भी देखा, मैं भी इनका पीछे चल के मैं इनका वो देखूँ। मैंने दावा करी, वो लेडीज ने पीले रंग का सूट पहना, कंधे पे इनके हाथ धर रखा, खुदा ना खास मुझसे बर्दाश्त नहीं, मैं घर आकर तुरंत ही। मतलब आपने उसे मिलते हुए रंगे हाथों देखा? हाँ। पति को? हाँ। तो अब आप थाने में कैसे आई हैं? थाने में ऐसा ही, सुबह ये आते हैं रात के 10 बजे आते हैं, ये आके मेरे से रोटी मांग रहे हैं। मैं रोटी किस बात से दे दूँ? दूसरी औरत से समझदार तो दूसरे के द्वारा रहो नहीं, सैलरी मिली है पूरी, सैलरी 10,000 की, हमारे कुछ नहीं दिया, कोई रुपया नहीं। तो आपकी शादी को इतने साल हुआ? मेरी शादी को 2011 में हुई थी, 9 साल चल गया है। शुरू से ही परेशान रखता है बंदा? 3 साल से ही रखा था, उसके बाद मुझे परेशान करता। तो आप क्या चाहती हैं? आपने रिपोर्ट लिखा दी है? हाँ, मैंने रिपोर्ट लिखा दी। मैं ये चाहती हूँ कि ये जेल चला जाए, 6 महीने बंद हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स